15th of August. That was the day when the Afghan government, Ashraf Ghani government in Afghanistan, fell. Preceding 15th August, the military situation unfolded rather rapidly. And I think it was against everybody's expectations. Pakistan's side of the border is secure and stable. The Taliban leadership have conveyed that they will not let the Afghan soil to be used against any other country in the world. And we have to take them on their word. Pakistan ka amn, Afghanistan ke amn se juda hai. 15 August ko jo hua, wo hamari tawakkuq ke barkhilaf tha. मौजूदा सूरत हाल के तनाजुर में सिक्योरिटी इकदाम जारी। सरहद की पाकिस्तानी साइड मुकम्मल तौर पर महफूज। गैर कानूनी नकलो हरकत रोकती। सिर्फ दस्तावेजात रखने वालों को नकलो हमल की इजाज़त है। अफगान सरजमीन के किसी के खिलाफ इस्तेमाल की इजाज़त न देने का बयान। खुश आई तबक्को है तालिबान अपने वादों पर अमल करेंगे। DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तखार की मीडिया ब्रीफिंग। India's role has been extremely negative. International community needs to get India in the dock. What was NDS doing all along? They were only helping RAW to cobble up alliances of TTP and Daesh and different terrorist organizations to hurt Pakistan. Whatever investment they made in Afghanistan, it was all done with only one intention. That was to harm Pakistan. Pakistan has repeatedly been cautioning the world about negative role played by spoilers of peace in Afghanistan. भारत ने अफगानिस्तान में हमेशा मनफी किरदार अदा किया। NDS पाकिस्तान के खिलाफ रॉ की मदद करती रही। दुनिया को हमेशा अमन को नुकसान पहुंचाने वाले स्पॉयलर्स से खबरदार करते रहे हैं। 2014 से अब तक मशरकी सरहद पर 12,312 खिलाफ वर्जियां हुई। अफगानिस्तान की सूरत हाल के बावजूद हमें इस तरफ भी तवज्जो देना पड़ी। तर्जुमान पाक फौज। पाकिस्तान हैज कॉन्टिन्यूसली बिन विक्टिम ऑफ दिस। 86,000 प्लस लाइव्स लॉस्ट, $152 billion ऑफ इकोनॉमिक लॉसेस एंड स्टिल काउंटिंग। वी हैव ऑलवेज बिन informing the previous Afghan government as well that TTP had sanctuaries inside Afghanistan. They were using Afghan soil against Pakistan, of course, with the help of the spoilers. We are absolutely ready if something happens of that sort. دہشتگردی کے خلاف جنگ میں قوم کی حمایت سے کامیابی حاصل کی. اب بھی TTP نے کچھ کرنے کی کوشش کی تو ہم پوری طرح تیار ہیں. अफगान सरहद पर बाड़ लगाने का 90% का मुकम्मल। ईरानी सरहद के 50% हिस्से पर भी बाड़ लगा दी गई। CPAC मंसूबों की सिक्योरिटी के लिए पाक फौज के दस्ते तैनात। दासू, लाहौर, क्वेटा और गवादर में दहशतगर्दी वाकयात के जिम्मेदारों का तायुन कर दिया। मेजर जनरल बाबर इफ्तखार की प्रेस कॉन्फ्रेंस। September 6 this year, Yom-e Difa aur Shuhada Pakistan. Ye bhi is dafa hum inshaAllah hamesha ki tarah puri qaum ke saath milke manayenge. Tagline for Yom-e Difa aur Shuhada is Watan ki Matti Gawa Rehna. Yom-e Difa puri qaum ke saath milkar manane ka azm. Watan ki Matti Gawa Rehna ki tagline jaari. Shuhada ke gharon mein jaakar unhe salam pesh karna hai. पाकिस्तान का आईन और कवानीन इस्लाम के मुताबिक यही निजाम है और यही रहेगा। मेजर जनरल बाबर इफ्तखार। कराची में एक और खौफनाक आग। करंगी मेहरान टाउन में फैक्ट्री शोलों की जद में आ गई। 16 मजदूर जिंदा जल गए, लाशें निकाली गईं। एक शख्स सदमे से दम तोड़ गया। दूसरी मंजिल मुकम्मल तबाह। इमदादी कार्रवाइयों के दौरान फायर फाइटर्स भी जख्मी। 5 घंटे बाद काबू पा लिया गया। सानिहा मेहरान टाउन, 3 भाइयों समेत एक ही खानदान के 5 अफराद जां बहक। घर घर कोहराम, वुरसा गम से निढाल। छत पर जाने वाले दरवाजे पर ताला पड़ा था। फैक्ट्री से निकलने का कोई भी दूसरा हंगामी रास्ता नहीं था। फायर ब्रिगेड का अमला भी ताखीर से पहुंचा। शहरियों की दुहाई। मैं बोल रही हूँ
माँ बच्चों को निकालो ऊपर से, उन्होंने ताला डाल दिया, जाके बंद कर दिया। अंदर कितने लोग अभी हो सकते हैं? अल्लाह, मैंने चौकीदार को बोला मुझे चाबी दो, मैं जा रही हूँ ऊपर। आपके कितने लोग हैं? एक ही बेटा है? मेरा तो 100 के बराबर है। कुछ मालूम नहीं, मैं हालांकि उसी आग वाली जगह से गुजर के गया हूँ, कुछ नहीं था, बैठे हुए चाय भी पी रहे थे हम, तो एकदम पीछे से ना लड़कों ने आवाज़ लगाई, आग लग गई यहाँ पर, आग लग गई, तो फिर हम उठ के भागे, देखा आग छोटी सी आग थी, पहले बुझाने को हमने, आग बुझाने वाले वो थे ना वो मारे, मगर उससे भी आग नहीं कंट्रोल में आ रही, बुझ ही नहीं रही थी, फर्क ही नहीं पड़ रहा था आग तक, बस वो बढ़ते 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 बढ़ते। कराची में आते जदगी, वज़ीर आला सिंध का नोटिस, मुतलका हुकाम से रिपोर्ट तलब। मुराद अली शाह की मुतासरा खानदानों की हर मुमकिन मदद की हिदायत। अलमनाक वाक़े की तहकीकात जारी। फैक्ट्रीज में हंगामी खराज का रास्ता होना चाहिए, एडमिनिस्ट्रेटर मुर्तजा वहाब की गुफ्तगू। काबुल धमाकों के बाद पूरे अफगानिस्तान में खौफ की फजा, सिक्योरिटी हाई अलर्ट। हामिद करजई एयरपोर्ट पर गैर मुतालिका अफराद का दाखिला ममनू। दहशतगर्दी वाकयात में 13 अमरीकी फौजियों समेत 170 अफराद हलाक, अस्पताल जख्मियों से भर गए, मुतादिद की हालत तशवीशनाक। दाइश ने धमाकों की जिम्मेदारी कबूल कर ली। दहशतगर्दी वाकयात के बावजूद अफगानिस्तान से इनकला जारी रहेगा, जरूरत पड़ी तो मजीद फौजी भी भिजवाएंगे, अमरीका का ऐलान। दाइश और तालिबान के गठजोड़ के शवाहिद नहीं मिले, हमला करने वालों को ताकत से जवाब देंगे सदर, जो बाइडन की तनबी। काबुल धमाके में फौजियों की हलाकतें, पूरे अमरीका में सौग। व्हाइट हाउस समेत तमाम सरकारी इमारतों पर परचम 3 रोज के लिए सरनिगुं। 1000 अहलकार अब भी अफगानिस्तान में मौजूद हैं, जनरल मैकेंजी की तस्दीक। पाकिस्तानियों को अफगानिस्तान से हमने इनखला कर लिया है। चमन बॉर्डर और तोरखम बॉर्डर मुकम्मल तौर पर खुले हैं, ट्रेड हो रही है, और अगर कोई डिप्लोमेट्स, IMF, वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन, NGOs एंड जर्नलिस्ट वो पाकिस्तान के किसी भी एयरपोर्ट पर आना चाहते हैं तो FIA और इमिग्रेशन के इंतजाम मुकम्मल हैं, और बयक वक्त हमने ट्रांजिट 21 दिन का वीज़ा देने का फैसला किया है। अफगानिस्तान से इनखला, इस्लामाबाद एयरपोर्ट काबुल से आने वाले गैर मुल्कियों के लिए मखसूस, फिलहाल हवाई अड्डे पर ही सहूलियात दी जाएंगी। पाकिस्तान आने के ख्वाहिशमंद अपने खर्चे पर आ सकते हैं, मौजूदा सूरत हाल में अपोजिशन को हुकूमत के साथ खड़ा होना चाहिए। वज़ीर दाखला शेख रशीद की प्रेस कॉन्फ्रेंस। अफगानिस्तान से इनखला, हजारों गैर मुल्कियों की आज से पाकिस्तान आमद। रावलपिंडी, इस्लामाबाद के तमाम होटल्स 21 रोज के लिए बंद, कंट्रोल जिले इंतजामिया के पास रहेगा, सिर्फ पड़ोसी मुल्क से आने वालों को ठहराया जाएगा। 2000 से ज्यादा अफराद कराची में भी ट्रांजिट कायम करेंगे। जिस तरह बाकी हमारे एसेट्स हैं पाकिस्तान में जो हमने उनको पूरी तरह यूटिलाइज नहीं किया, लेकिन सबसे कम हमने ओवरसीज पाकिस्तानीज का फायदा उठाया, उनके लिए हम आसानियां पैदा करते जाएं। इन्वेस्टमेंट में जो सबसे बड़ी रुकावट है वो करप्शन है। ये पूरा एक रैकेट बना हुआ है पाकिस्तान में कब्जा ग्रुप का, इनके ऊपर तो हम जहाद कर रहे ना इस वक्त, रोशन अपना घर, ये गेम चेंजर है, क्योंकि हम इससे बहुत ज्यादा पैसा अट्रैक्ट कर सकेंगे। करप्शन सरमायाकारी की राह में सबसे बड़ी रुकावट, बदकिस्मती से हम बिरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों से फायदा नहीं उठा सके, मौजूदा हुकूमत इनके लिए आसानियां पैदा कर रही है। कब्जा ग्रुप्स के खिलाफ जहाद भी जारी है, वजीर आजम का रोशन अपना घर स्कीम की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। अवाम इमरान खान की 3 साल कारकर्दगी से मुतमईन नहीं, 50 लाख घरों का वादा करने वालों ने गरीब से छत भी छीन ली, लाखों अफराद को बेरोजगार कर दिया गया। बिलावल भुट्टो की ठट्ठा में गुफ्तगू। इमरान इस्माइल, अताउल्ला और इब्रार, हुकूमत की 3 साल कारकर्दगी सिर्फ 3 गुरुकार, तब्दीली सरकार, खित्ते की तब्दीलियों से ला ताल्लुक, कोई खारजा पॉलिसी ना होने की वजह से आलमी बरादरी पाकिस्तान को फ्रंट लाइन पर तस्लीम करने को तैयार नहीं,
मौलाना फजल रहमान की तनकीद। 29 अगस्त के जलसे की तैयारियां जारी। शहबाज शरीफ कराची पहुंच गए। एयरपोर्ट पर कारकुनों की बड़ी तादाद ने इस्तकबाल किया। नून लीगी सदर मुख्तलिफ वफूद से मुलाकातें भी करेंगे। मनफी रवैये और इंतशार की सियासत मुल्की इस्तेहकाम और यकजहती के लिए नुकसानदेह। मजबूत होती मईशत को करप्ट टोले के मुफादात की नज़र नहीं होने देंगे। कानून की अमलदारी को यकीनी बनाया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की शेख रशीद से मुलाकात में गुफ्तगू। वफाकी वज़ीर दाखला की सूबाई हुकूमत की कारकर्दगी की तारीफ। मैप करप्शन फ्री पाकिस्तान के लिए पुरअज़्म। इदारा अपने कयाम से अब तक लूटे हुए 822 अरब रुपए बरामद करके खजाने में जमा करा चुका है। चेयरमैन जावेद इकबाल बदउनवानी के खात्मे के लिए पुरअज़्म। कोरोना के बाद जारी चौथी लहर मजीद 95 जाने ले गई। 24 घंटे के दौरान 4016 नए मरीज रजिस्टर्ड। मस्बत केसेस की शरह 6.42% रिकॉर्ड। सिंध में स्कूल 30 अगस्त से ओपन। 50% तलबा को आने की इजाजत। सूबाई हुकूमत ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। असातिज़ा और दीगर अमले की वैक्सीनेशन लाजमी करार। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का नया चेयरमैन कौन? नोटिफिकेशन का इंतजार। बतौर मेंबर गवर्नर बोर्ड रमीज राजा का तकर्रुरनामा जारी। असद अली खान को भी तोसी मिल गई। दोनों 3 साल के लिए अपने फराइज सर अंजाम देंगे।